जी एस एम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास सैमसंग फ़ोन है जो मॉडल नंबर है M02S। तो अपडेट के बाद लोगो से आगे नहीं जाता, अपडेट जो लोगो आता है जो परसेंटेज 1234 आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जैसे ये 55 या तो 25 ऐसा होता है तो फ़ोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है, वापस यहीं पे स्टक हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये वीडियो के मेथड से आपके फ़ोन में जितने भी फोटो वीडियो है सब डिलीट हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। आपको फाइल वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे से मिल जाएगी, फाइल को डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है ओडिन टूल्स, और यहाँ पे फाइल वन बाय वन सिलेक्ट कर देना है। अब फ़ोन को डाउनलोड मोड में ले जाना है, वॉल्यूम अप बटन डाउन बटन दबा के और साथ में पावर बटन भी दबाना है। जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है पावर बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप बटन डाउन बटन और पावर बटन तीनों साथ में दबाना है। जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है ओनली आपको पावर बटन छोड़ देना है, बाकी दो बटन दबा के रखना है। वॉल्यूम अप बटन दबाना है कंटिन्यू डाउनलोड मोड के लिए, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और वेट करना है जब तक फ्लैश नहीं हो जाता। सॉफ्टवेयर हो गया है, वेट करते हैं जब तक फ़ोन नॉर्मल चालू नहीं हो जाता।
अगर फ़ोन चालू नहीं होता, यहाँ पे स्टक रहता है, तो आपको क्या करना है, हार्ड रिसेट करना है। उसके लिए पावर बटन दबाते हैं, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद वॉल्यूम अप बटन, पावर बटन दबाना है, फ़ोन रिकवरी में चला जाएगा। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दबाता है वापस। जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ होता है, वॉल्यूम डाउन बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप बटन, पावर बटन दबा के रखना है। वॉल्यूम डाउन से वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट को सिलेक्ट करना है, पावर बटन दबाना है, फैक्ट्री रीसेट, पावर बटन, और अब पावर बटन दबा के फ़ोन को रिबूट कर देना है। वेट करना है जब तक फ़ोन नॉर्मल चालू नहीं हो जाता। तो इस तरह आप फ़ोन में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।